नमस्कार, मैं डॉक्टर अजंता यादव, मुंबई कांग्रेस की उपाध्यक्ष और माजी नगर सेविका। आज मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि हम कहाँ पे हैं, हमारी कांदिवली पूर्व की समस्या कहाँ पहुँची है। आप देख ही रहे हो कि दिन भर दिन ट्रैफिक बढ़ती जा रही है। 10 साल जिस सरकार को आपने चुना, क्या वो सरकार ने आपको न्याय दिया? क्या सरकार ने आपके लिए सोचा? क्या सरकार ने आपको सारी सुविधा दे दी? आप जरा सोचिए कि 10 साल आपके भाजपा के आमदार ने आपको क्या दिया। आपके भाजपा के आमदार ने आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक दी, इस एरिया को और भी कूड़े कचरे की तरफ झुका दिया। आप देखिए, जब आप सुबह उठते हो, कांदिवली सबवे 3 साल से उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोस्टल रोड बन गया, लेकिन 3 साल में कांदिवली सबवे की वाइंडरिंग नहीं हुई। इसका जवाबदार कौन है? आप इसका जवाबदार किसको मानते हो? उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो लोखंडवाला जो डीपी रोड मैंने मेहनत करके आप लोगों के लिए उसका निर्माण किया, उसका क्या हुआ? जब मैं फॉरेस्ट से हमारा डीपी रोड लाई और महेंद्र कंपनी से भी मैं डीपी रोड लड़ झगड़ के लिए आपकी लाई, आगे उसके क्यों नहीं काम हुआ? ये भी जवाबदार आपके आमदार जो भाजपा के। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में अगर आपको आगे बढ़ना है, सच्चाई की लड़ाई लड़नी है और आपको ऐसा कोई चुन के लाना है जो आपकी आवाज़ उठाए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ, तो प्लीज़ मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सपोर्ट करिए और आने वाले समय में कांग्रेस को जिताइए। धन्यवाद।